आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न शैल कर्म करने का अधिकार दिए जाने से आयुर्वेद जगत में खुशी देखने को मिली। समाज कल्याण में इस प्रकार के किए गए कार्यों के लिए आयुर्वेद समाज भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिक्षक और चिकित्सक छात्र छात्राओं ने धन्यवाद यात्रा निकाला। धन्यवाद यात्रा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के नेतृत्व में डीएवी मोड़ से शांति वट वृक्ष थाना रोड होते हुए जेपी चौक तक गया। किया गया है, उन्हें अधिकार दिया गया है, भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके मुहर लगाया गया है कि आप सभी शल्य क्रिया सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग भारत सरकार को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को आयुष मंत्रालय के मंत्री को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आज अपने सभी जो आयुर्वेदिक कॉलेज शिवान है और जो विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई है, एलुमिनी एसोसिएशन है, आयुष सर्विसेज है और प्रभा फाउंडेशन है, इन सभी के माध्यम से हम आज अपने माननीय प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्री को कोटिशह धन्यवाद देते हैं कि हमें यह अधिकार दे करके हमारे ऊपर ऐसा मुहर लगा करके हमारी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। यूं तो हमें यह शल्य क्रिया या ऑपरेशन करने का पहले से भी अधिकार था, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे सुश्रुत सर्जरी के शल्य के गॉड फादर रहे हैं और इस चीज़ को हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सुश्रुत ही गॉड फादर रहे हैं शल्य चिकित्सा के। तो इसमें मैं आज उन सभी भाइयों को जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है उन्हें भी यह कहना चाहूँगा कि यह एक विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है और इसमें यदि किसी को कुछ अधिकार मिलता है करते हैं तो उसके लिए उनको दुखी नहीं होना चाहिए, उन्हें भरपूर हमारा सहयोग करना चाहिए और हम भी उनका सहयोग करते हैं, करते आ रहे हैं। आयुर्वेद के का जो एक सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और मैं समझता हूँ कि इस शल्य क्रिया यानी सर्जिकल जो भी ऑपरेशन होते हैं वो हमारे यहाँ बिल्कुल लागत कॉस्ट से होते हैं। तो आज जो गरीब असहाय निर्धन रोगी सर्जरी से परेशान है कि उन्हें 20-25 हज़ार रुपया देना पड़ता है, बहुत कम पैसे में हमारे यहाँ लागत कॉस्ट में हर प्रकार की सर्जरी होगी और लोगों को लाभ मिलेगा। और हमारा जो सिद्धांत है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप मीडिया बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार को मैं कोटिशह धन्यवाद देता हूँ और आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ उपस्थित होकर के अपना बहुमूल्य समय दे करके हमें सहयोग किया, हमारी बातों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। इसलिए इस धन्यवाद यात्रा में आपने सफल किया, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पूरे आयुर्वेदज्ञों, पूरे आयुर्वेद के समूह के माध्यम से भी मैं अपने प्रधानमंत्री और भारत सरकार को कोटिशह धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। SCC Solar Streetlight, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।